गूगल मैप इस्तेमाल करने वालों के लिए शानदार सहूलत। न्यूयॉर्क इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी ने अपने सार्फिन के लिए गूगल मैप्स में नया फीचर शामिल कर दिया है। तो नाजरीन, ये कौन सा फीचर है कंप्लीट जानिए और वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। बैनल कवामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की जानब से चंद हफ्ते कबल गूगल मैप्स पर ट्रैफिक से मुतलक मालूमात मुहैया करने का फीचर शामिल किया गया है, जिसका मकसद सार्फिन को सड़कों पर ट्रैफिक की कार्रवाई से आगाह रखना था। गूगल ने दो रोज कबल खामोशी से गूगल मैप्स पर एक ऐसा फीचर शामिल कर दिया जिससे सार्फिन को मजीद आसानी हो जाएगी। वो कौन सा फीचर है कंप्लीट जानिए, वीडियो कंप्लीट देखें फिर आपको समझ आएगी। गूगल मैप्स में शामिल किए जाने वाले इस फीचर को न्यू स्क्वायर इंटरैक्टर का नाम दिया गया है, मतलब जिसके जरिए सार्फिन को मुंतखब करदा रास्ते के आसपास मौजूदा अहम इमारतों और कारोबार मतलब रेस्तरानों मतलब वगैरह के मुतलक मालूमात स्क्रीन पर फराहम की जाएंगी। मिसाल के तौर पर जो आसपास चीज़ें हैं वो दिखाई जाएंगी। मज़ीद अभी जानिए, गूगल मैप इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी ये आई है कि इस फीचर से कबल जब सार्फिन गूगल मैप्स के ज़रिए सफ़र करते थे तो उन्हें स्क्रीन पर अपनी मंजिल की तरफ जाना हुआ होता है तो रास्ते में चंद अजाफी अशिया नज़र आती हैं, मतलब मिसाल के तौर पर साइड पे। इस फीचर के बाद सार्फिन को अपने रास्ते के इर्द गिर्द मौजूद अहम मकामात इमारतों बाजार और रेस्टोरेंट्स की मालूमात ऐप पर मिलती रहेंगी, मतलब जो आपके आसपास चीज़ें होंगी वो मिलती रहेंगी। उसके बाद गूगल मैप का इस्तेमाल, गूगल मैप का मतलब गूगल मैप के ज़रिए किसी भी जगह की ठीक ठीक निशानदेही की जा सकती है। अगर आप किसी एड्रेस को समझना चाहते हैं तो गूगल मैप से मुतल्लिका जगह का लिंक लेकर इसे अरसाल कर दें, मतलब गूगल मैप में अपनी वो जगह का नाम लिखें जो आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं, वो सर्च होके सब कुछ सामने आ जाता है। इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है, मतलब आगे भी समझिए सब कुछ, किस गली में अंधेरा है और कहाँ रोशनी है गूगल बताएगा आपको। इसी तरह आप किसी एड्रेस पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल इंटरनेट से मुसलिक करें, मतलब इंटरनेट के साथ इसे लगाना लाजमी होता है, कनेक्शन लाजमी हो जो भी गूगल में आपका इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद फिर लोकेशन ऑन करके नज़र आने वाली बार में, मतलब जो ऊपर एड्रेस दर्ज करने वाली जगह होती है वहाँ पर आपने अपना एड्रेस दर्ज करना होता है जिस जगह पर आपने जाना होता है सिंपल, तो रास्ते आने वाले मोड़ दीगर चीज़ों की गूगल खुद निशानदेही कर देता है, मतलब वो आपको ये भी बताता है कि इतने किलोमीटर की रेंज पर हैं आप, इतना सफ़र इतने घंटे में करेंगे, मतलब आपकी स्पीड क्या जा रही है, कार पर जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं। नाज़रीन, ये अगर आपको फीचर जानकर मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए करें। इसके बाद मेरे YouTube चैनल पर रेसिपी की वीडियोस मौजूद हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं क्योंकि वो मेरा खुद का कारोबार है, तो ये मैं मतलब जैसे ही मेरे पास नई मालूमात आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें लाजमी और वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त अगली वीडियो के लिए। ओके, बाय, खुदा हाफिज़, थैंक यू दोस्तों।